क्या बात है, आज तो बहुत गजब लग रही हो। बाप रे बाप, बस बस बस, ये सवेरे सवेरे ना इतना 500 ग्राम बटर का पैकेट खोलने की कोई जरूरत नहीं है। माफ तो मैंने तुम्हें कल रात को ही कर दिया था ना। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब जब तुम तैयार हो ही रही हो तो हमारे साथ बैंक क्यों नहीं चलती है? मैजू को कल उसका पहला चेक मिला है, उसका फर्स्ट बैंक अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं। बोरिंग ऑफर, नो थैंक यू। By the way, तुम वैजू दीदी के लिए जो कुछ भी कर रहे हो, I'm really happy because of that. लेकिन आज ना मेरे कुछ और प्लान्स हैं। तेरी वो दोस्त याद है मीनाक्षी, उसके साथ लंच पे जाए, बाकी के स्कूल फ्रेंड्स भी आ रहे, तो ऐसे लास्ट मिनट पे कैंसिलिंग कर सकते। अच्छा जी, अपनी फ्रेंड्स को मना नहीं कर सकती हो लेकिन हस्बैंड को मना कर सकती हो। फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में लंच करना हस्बैंड के साथ बैंक में बोरिंग काम करने से तो बेटर ही ऑप्शन है। और नहीं तो क्या, मेरा हस्बैंड भी तो थोड़ा सा बोरिंग है ना। राणा जी मुझे बैंक लेकर जा रहे हैं, पहली बार मेरा बैंक में खाता खुलेगा अपनी मेहनत की कमाई से। अरे बेटा तूने गजरा क्यों नहीं लगाया, ये गुलाब का फूल क्यों लगा लिया? आई ये मैंने नहीं लगाया है, ये तो रणविजय ने लगा दिया सवेरे सवेरे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे सीरियल माटी से बनी डोर के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत होती है वैजू से, जो अपने पहले विज्ञापन के लिए भुगतान चेक प्राप्त करती है। कितनी खुशखबरी है ना, डायरेक्टर वैजू को बताते हैं कि उसका पहला विज्ञापन भुगतान है। लेकिन दोस्तों कहानी यही खत्म नहीं होती। वैजू की बातों से पता चलता है कि वो राणा और जया को भी धन्यवाद देना चाहती है। जया के साथ वैजू की बातचीत में जया कहती है कि हमारे बीच बहुत कुछ बदल गया है। वैजू जया से पूछती है कि क्या सब ठीक है। जया कहती है कि उसे घर पर कुछ काम है और एक अजीब सा डर भी महसूस हो रहा है। वैजू जया को समझाती है कि जो लोग हमसे प्यार करते हैं वो हमें दुख नहीं पहुंचाना चाहते। वैजू का कहना है कि कभी कभी रिश्ते दर्पण की तरह होते हैं, हम उनसे बहुत उम्मीदें रखते हैं और अगर सामने वाला हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो हम निराश हो जाते हैं, इस निराशा से हमारी खुशी भी चली जाती है। जया की चिंता और वैजू की सलाह से ये बात साफ होती है कि रिश्ते में उम्मीदें और वास्तविकता का सही संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस दिलचस्प एपिसोड को देखने के बाद अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।